तो गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक, या तो आपके लाइफ में भी थोड़े स्ट्रेस के इश्यूज चल रहे हैं, या दूसरा आप अपने घर के इंटीरियर्स को डेकोरेट करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं कम से कम बजट में। तो सबसे पहले मैं दोनों पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, स्ट्रेस के लिए कैसे लाइट रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑफिस में कोई लड़ाई हुई है या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या आपके रिलेशन में कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, तो इसमें लाइटिंग का क्या रोल होता है? देखो, ये ब्रेन के काफ़ी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो हमारे इंटीरियर में हमें पढ़ाया जाता है, हम आर्किटेक्चरल ग्रुप में पढ़ाया जाता है, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा जाता है कि लाइट कैसे आपको अफेक्ट करती है। अब ये डीप में तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कभी भी अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं जहाँ अगर हमारा मूड थोड़ा ऑफ है, तो जब घर के अंदर घुसे हैं और अगर वेल लिट घर हमें दिखाई देता है, तो हमारे जो गुस्सा, जो एंगर लेवल होता है या हमारा जो बैड मूड होता है, वो अपने आप एक अच्छे मूड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और जो हमारा गुस्सा होता है वो थोड़ा शांत होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घर के अंदर लाइटिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है। और अब मैं अगर इंटीरियर की बात करूं, तो एक अच्छे घर का इंटीरियर, चाहे आपने घर में कुछ ज्यादा काम ना किया हो, सिर्फ पेंट करा रखा हो, अगर लेकिन अगर लाइटिंग आपने घर में अच्छी कराई होगी, तो आपका घर इंटीरियर में बहुत सुंदर दिखाई देगा। प्लस आपके घर में जो गेस्ट आएंगे वो आपको काफी अप्रिशिएट करेंगे और काफी कॉम्प्लीमेंट्स देंगे यार कि घर आपको बहुत सुंदर लग रहा है। तो आज मैं बेसिकली आपको वो तीन लाइटों के नाम बताने वाला हूं और उनके बारे में, उनके तीन चार फायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा कि आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से कौन सी लाइट आपको बेस्ट सूट करेगी, चाहे आपके घर में छोटे बच्चे हैं या एजेड लोग रहते हैं, चाहे आप खुद पढ़ना पसंद करते हैं या थोड़ा पार्टी करना पसंद करते हैं, आपके घर में गेस्ट ज्यादा आते हैं कम आते हैं। और ये सारा मैं आपको बताऊंगा एक सर्वे के थ्रू, जो आज से करीब 12-13 साल पहले एक सर्वे हुआ था, ये उसकी सारा डेटा है जो मैंने रिसर्च करके आपको बता रहा हूं। तो इस सर्वे के अंदर तीन ग्रुप्स को बांटा गया जिनके ऑफिस और घर में अलग अलग लाइटिंग दी गई। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं चैनल इंटीरियर कोच पे, और मैं हूं इंटीरियर कोच एंड बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो टोटल जो तीन लाइट होती है वो होती है एक कूल व्हाइट, वार्म व्हाइट एंड नेचुरल व्हाइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कूल व्हाइट की। अब मैं एक छोटी सी यूनिट बताऊंगा, ये रेंज होती है बस नॉर्मल आपके जानने की, एक नॉलेज के लिए है। जो कूल व्हाइट की यूनिट होती है वो होती है 5.5 टू 6.5 केल्विन की। अब जो इसका फायदा है, फायदा ये होता है कि जो सर्वे किया गया उसमें ये पता चला जिनके ऑफिस में व्हाइट लाइट थी वो काफी अटेंटिव रहते थे, फोकस रहते थे, जो स्ट्रेस है वो बहुत ही कम लेवल पे रहता था, और इजीली अपना काम अच्छे से कर पाते थे, हमेशा एक अच्छे मूड में रहते थे, और यही सेम लाइट उनके घर में भी थी। तो जो कूल व्हाइट का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि सर्वे में ये पता चला कि जो स्लीप होती है उनकी, जो स्लीप साइकिल होती है, थोड़ी धीरे धीरे उनको नींद की जो है थोड़ी दिक्कत होने लगी, जो जिस टाइम पे वो सोते थे वहाँ नींद कम आती थी, सोने के लिए उनको कम से कम हाफ एन आवर लग जाता था, आधा से एक घंटा लग जाता था कि नींद प्रॉपर गहरी नींद आने में, प्लस उनकी नींद जल्दी खुल जाती थी, आंखों पे काफी स्ट्रेस आने लग गया था। जनरली आपने देखा होगा जब हम मोबाइल चलाते हैं उसमें आई स्ट्रेस को हटाने के एक ब्लू लाइट फिल्टर होता है, जो जनरली जब हम उसको ऑन करते हैं तब वो येलो स्क्रीन हो जाती है। व्हाइट लाइट में जो उनको रिलैक्स करने का टाइम होता था, जब शाम को आप घर जाते हैं और जो टीवी वगैरह देखते हैं, जो रिलैक्स करते हैं, तो वो उनका थोड़ा सा जो टाइम है वो धीरे धीरे खराब होने लगा था, उनको रिलैक्स में उतनी फील नहीं आ रही थी। जो काम के लिए छोटी मोटी टेंशन होती है वो थोड़ी सी बढ़ गई, वो अपने काम को लिए कुछ ज्यादा ही टेंशन लेने लग गए थे, और एक हेल्दी माइंड के लिए टेंशन और स्ट्रेस बहुत ही अनहेल्दी चीज है। रिलेशनशिप में काफी गैप आने शुरू हो गए थे। तो अगर कूल व्हाइट लाइट को हम लगाने वाले हैं तो कोशिश कीजिए कूल व्हाइट लाइट को आप, मतलब बेसिकली व्हाइट लाइट को आप हमेशा ज्यादातर ऑफिस में या वर्किंग एरियाज में लगाएं, जहां पे आपको काम करना, जहां पे आपको पूरा फोकस रहना, जैसे ऑफिस हो गए, आपके वर्कशॉप एरियाज हो गए, कंपनीज एरिया हो गई, फैक्ट्रीज एरिया हो गई, जहां आपको हमेशा अटेंटिव रहना है। इसका जो एक मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाइट लाइट क्या करती है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने घर में इंटीरियर पे काम करा है, व्हाइट लाइट उसकी जो फील, असली फील आनी होती है इंटीरियर के उस काम की, वो व्हाइट लाइट से उतनी नहीं आ पाती, बिल्कुल ही लो हो जाती है, और वो सारा पेंटिंग का पैसा खराब भी हो सकता है, आप फोटो में भी देख सकते हैं पीछे। अब दूसरी जो लाइट आती है वो आती है वार्म व्हाइट, जो बेसिकली येलो लाइट सन की जो लाइट होती है उससे थोड़ी सी हल्की सी ब्राइटर होती है, फोटो में आप देख लीजिए। वार्म व्हाइट लाइट क्या होता है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 2.7K to 3K केल्विन। तो जब दूसरा सर्वे कंडक्ट हुआ उसमें वार्म लाइट को उनके ऑफिस प्लस घर में डाल दिया गया, तो उसमें ये पता चला कि वो रिलैक्सिंग मोड में तो अच्छे आ गए, उनको नींद अच्छी आने लगी, रिलेशनशिप अच्छे होने लगे, इंटीरियर भी काफी अच्छा हो गया, और वार्म व्हाइट में रीडिंग, जो आंखों पे स्ट्रेन था वो काफी कम हो गया, आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा था। लेकिन इसका जो उल्टा इम्पैक्ट क्या पड़ा कि वो लेस फोकस्ड हुए, लेजीनेस काफी हो गया, और नींद काफी आने लग गई कि काम पे भी नींद रहती थी और वो एनर्जी मोड नहीं रह पाता था। तो मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन होगा लाइट्स, वार्म लाइट के लिए, वो ये होगा कि ऑफिस में आप कभी वार्म लाइट मत लगाइए। हाँ, अगर आप घर में एक आराम से रिलैक्सिंग मोड में अपनी बुक पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना, रीडिंग का स्टफ करना चाहते हैं, तो एक टेबल लैंप या लाइट लैंप कोई ऐसी चीज लगा सकते हैं, या वॉल पे कोई डाउन लाइटर लगा सकते हैं, जो फोटो में आप देख सकते हैं, जो कि आपको रीडिंग में थोड़ा मदद करेगी। तो मैं कहूंगा कि वार्म व्हाइट को एक पर्टिकुलर एरिया में ही लगाया जाए। इस सर्वे के बाद जो सॉल्यूशन निकाला है कि बेस्ट लाइटिंग एक्चुअली है कौन सी,
और या व्हाइट लाइट है या मोम व्हाइट लाइट है। तो तब आई हमारी नेचुरल लाइट, जो बेसिकली जब सूरज सनसेट होता है तो 6:30 से 7 के बीच में समर्स में जो वो लाइटिंग होती है वो लाइटिंग बेस्ट लाइटिंग बन जाती है। या फिर जब सनराइज होता है तो समर्स में अगेन जब सुबह सूरज एकदम उगता है उसके जस्ट 1 से 2 घंटे के बाद जो लाइटिंग होती है वो सबसे बेस्ट लाइटिंग बनी है, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल लाइट। और जिसकी जो केल्विन होती है वो होती है करीब 4K Kelvin to 5K Kelvin। तो नेचुरल लाइट को जब ऑफिसेज में और घर में लगाया गया तो ये देखा गया कि जो एम्प्लॉयज थे वो खुश थे, रिलैक्स थे, काम पे फोकस थे, अटेंटिव थे, लेकिन व्हाइट लाइट के मुकाबले थोड़ा बहुत फर्क था। और जब वो घर पे आते थे तो नींद भी अच्छी आती थी, उनका जो इंटीरियर है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो गया था, रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए थे, और जब वो घर के अंदर एंट्री करते थे तो वो फील जब आती थी लाइट की, और जब घर में देखने में इतना सुंदर लगता था तो अपने आप ही स्ट्रेस लेवल और जो बैड मूड है वो अच्छे मूड में कन्वर्ट हो जाता है। और धीरे धीरे इंटीरियर्स में जब हमने नेचुरल लाइट को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो जो हम उसमें काम करते थे उसकी जो ब्यूटी है, चाहे वो नॉर्मल सिर्फ आपने पेंट वर्क कराया हो, वो काफ़ी एनहेंस होने लग गया। तो इसलिए आजकल आपने कई जगह देखा होगा अपार्टमेंट्स में या फोटोज में जब भी आप देखते हो तो वहाँ पे हमेशा नेचुरल लाइट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बेस्ट अपीलिंग लाइट होती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो रेंडर्स के थ्रू भी हैं और ऑन साइट भी जो काम किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कितना देखने में सुंदर लगता है। तो मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी वो रहेगी ऑलवेज गो फॉर नेचुरल लाइटिंग, कि आप नेचुरल लाइट लगाइए घर के अंदर, उससे आपको सारी इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी लाइटिंग रहेगी। बाकी आपकी पर्सनल कॉल है कि आप ज़्यादातर ऑफिस में रहते हैं या आपने घर के अंदर ऑफिस बनाया हुआ है या फिर आपके घर में बच्चे ज़्यादा हैं या एजड पीपल हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट लाइटिंग कौन से होने वाली है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई इशू आता है आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसल्टेंसी का बिजनेस है जिसमें आप हमें कॉल करेंगे, कुछ फोटोज शेयर करेंगे और हमारा इंटीरियर डेकोरेटर आपको यहीं से बता देगा कि बेस्ट लाइटिंग किस एरिया के लिए कौन सी अच्छी लगेगी। और वो टिप जो मैंने शुरुआत में बात करी थी कि 600 रुपये में कैसे वो चेंज हो सकता है, क्योंकि अब मार्केट में 3-in-1 लाइट है जिसमें आप ऑन ऑफ जब उस लाइट को करोगे 1-1 सेकंड के गैप पे तो उसमें सारी लाइटें के कलर्स आ जाएंगे, वार्म वाइट भी आएगा, नेचुरल लाइट भी आएगा और कूल वाइट भी आएगा। तो जैसा आपका माहौल या मूड वैसे आप लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर पार्टी है तो वार्म वाइट पे ला सकते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब भी आप होटल्स 5 स्टार 7 स्टार जाओगे तो वहाँ पे हमेशा वार्म लाइट या नेचुरल वाइट ही मिलेगी, क्योंकि वो रिलैक्सिंग मूड के लिए सबसे अच्छी है। तो पार्टी के टाइम पे आप ये लगा सकते हैं, अगर आपको कुछ अटेंटिव या फोकस काम करना है तो व्हाइट लाइट ऑन कर सकते हैं, या आपको कोई सूदिंग फील चाहिए या आपको कुछ कॉजी फील चाहिए तो आप नेचुरल लाइट का यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को हमारे बारे में बताइए। टिल देन गुड बाय।